Hello and good afternoon, everyone. I'm welcoming all of you on India's largest learning platform, Unacademy. And here, as we have already discussed, we are going to complete the India yearbook in a very comprehensive manner. And when I used to say this term comprehensive, then what I meant is that we have to focus only on those aspects which are given extra in this particular book. Otherwise, if we saw that some of the concepts, some of the facts are repetitive in its nature, then what we will try to do, definitely we will study, but yes, you have already studied that particular topic in very detail in other point also, right? तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि इस किताब के अंदर जो भी चीजें एक्स्ट्रा दी हुई हैं उसमें से कोई भी चीज हमारी छूटनी नहीं चाहिए. एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट? तो आज का चैप्टर काफी मजेदार है और इस चैप्टर से यू वोंट बिलीव इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं और बहुत ही मोस्ट इजी क्वेश्चन आए हैं. आज जब मैं उन फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि ये इतना इजी सवाल कैसे आ सकता है, बट आप जा करके बहुत 10 साल पुराने पेपर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 3-4 ईयर्स, पिछले 3-4 साल पुराने आप पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाएंगे. क्यों? क्योंकि आसान चीज है और आसान चीज को लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो हम जानते ही हैं, फिर हम जब जान रहे हैं तो फिर हमें बुद्धि लगाने की जरूरत क्या है, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, विच इज अबाउट आर नेशनल सिंबल्स. उसके अंदर इंडिया के नेशनल सिंबल्स क्या है, उनसे जुड़े हुए कोड ऑफ कंडक्ट या पॉलिसीज क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट डू लेट मी नो वेदर आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट. एक बार आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ या विजिबल हूँ या नहीं. अभी तक आप लोगों के कोई वैसे कमेंट नहीं आए हैं नॉट ऑडिबल नॉट विजिबल, सो आई एम कंसिडरिंग दैट आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. इज इट करेक्ट? इफ इट इज इट करेक्ट देन ऑल राइट. और प्लीज एक काम आप लोग जरूर करिए कि फटाफट से जाइए और जा करके ग्रुप्स में एक बार ही नोटिफाई कर दीजिए दैट आई हैव स्टार्टेड दिस सेशन. ठीक, एक बार जल्दी से जाओ और ग्रुप में जा करके ये नोटिफाई कर दो कि हमने सेशन को स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, फटाफट से. यस यस यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन. कल का टॉपिक आप लोगों ने लिख लिया था या नहीं? कल का पॉइंट आप लोगों ने पढ़ लिया था या उसके अंदर किसी को कोई डाउट आ रहा था या कोई इशू निकल करके आ रहा था? जल्दी से बता दीजिए. अगर कोई इशू किसी को आ रहा हो तो आप बता दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता दीजिए, अदरवाइज आज का सेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ऑल राइट, फटाफट से नोटिफाई मी भाई, आई कैन नॉट सी. ऑल क्लियर, ऑल क्लियर. ओके विकास कुमार, आई विल ट्राई माय बेस्ट मेरे भाई. मैं कोशिश करूंगा यार तेज बोलने की, बट थोड़ा सा लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशन ये है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज बोलने लगूंगा यार तो प्रॉब्लम आ जाएगी. प्रॉब्लम इन द सेंस कि वॉइस क्वालिटी मेरी अभी उतनी बेहतर नहीं हो पाई है और अभी भी थोड़ा बहुत इशू बाकी है. अगर मैं बहुत खींच करके बोलना शुरू कर देता हूँ ना तो फिर खांसी वगैरह आने लगती, बट इट्स ऑल राइट. आप थोड़ा सा अपने स्पीकर की या ईयरफोन की वॉइस को ऊपर करिए, अगर आवाज़ आपको प्रॉपरली सुनाई दे रही है तो फिर अपने आप आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी. ठीक है, चला जाए, कहानी अपनी आगे कंटिन्यू करी जाए भाई. ऑल राइट, चलिए ठीक है भाई, फिर अपनी कहानी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और नेशनल सिंबल वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं. बट दिस इज एन अनाउंसमेंट टू मेक दैट आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ क्विज एंड स्पेशल सेशन ऑन अकेडमीज ऐप, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर. एंड यस, सूनर वी आर गोइंग टू लॉन्च अ प्लस कोर्स. What are the detail of plus course? Definitely we will talk about it. But if anyone wants to join me in that comprehensive structured course on an academy's app, definitely you guys can join me with the help of ATS10 code written over here. All right. So let us start today's topic of discussion, which is about our national emblem, national symbols. What are these symbols? विचारधाराएं क्या हैं? ठीक. तो हमारे देश के अंदर भी कुछ राष्ट्रीय प्रतीक बनाए गए हैं, कुछ symbols बनाए गए हैं. जो अलग अलग चीज अलग अलग जगहों पर दिखाए जाते हैं, एक एक करके हम उस सिंबल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टॉक अबाउट नेशनल फ्लैग, आप कहेंगे कि नेशनल फ्लैग हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? बट यस, इट इज इंपॉर्टेंट. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहां पर भी कुछ ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो शायद आपने जल्दी जल्दी में ना देखे हों और एग्जाम में जब लिखा हुआ आएगा तो आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट? तो देखो, जब पढ़ाई शुरू करी जाती है, भले ही एग्जाम में ये पूछा जा रहा हो दैट एप्पल इज अ स्वीट फ्रूट,
आपको ये लाइन लिखनी है एग्जामिनेशन में, बट उसके पहले आपको एप्पल का मीनिंग, स्वीट का मीनिंग, फ्रूट का मीनिंग और इज का यूज क्या होता है ये जानना होगा। जब आप इन सारे फ्रैक्शंस को समझेंगे तभी जा करके आप उस प्रॉपर लाइन को लिख पाएंगे, राइट। सो दैट इज वाई वी आर गोइंग थ्रू स्टेप बाई स्टेप वेरी इजिली, राइट। वो ज्यादा आसान होगा आपके लिए और बाकी लोग जो न्यू कमर्स हैं उन्हें समझने में आसानी रहेगी, ठीक। चलिए, तो इफ यू टॉक अबाउट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इसके बेसिक ट्राई कलर कौन कौन से हैं ये सभी आप लोगों को पता है, विच इज सैफ्रन, व्हाइट एंड ग्रीन। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, 2:3 के अनुपात में रहता है। इसके अनुपात में रहता है 2:3 के अनुपात में रहता है। और जो व्हाइट कलर की बीच में पट्टी है उसके अंदर क्या बना हुआ है, अशोक चक्र बना हुआ है। ये अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है आप सभी को पता है, जो आपका अशोक स्तंभ है सारनाथ में, जो अशोक का स्तंभ लगा हुआ है जिसके ऊपर शेर का चिन्ह है, वहां के अबेकस से इस अशोक चक्र को लिया गया है जिसके अंदर 24 तीलियां हैं। और वो किस चीज का प्रतीक है कि समय लगातार चल रहा है, जो आपका समय है वो कॉन्टिन्यूएशन में मूव कर रहा है। आपके दिवस को कितने पार्ट में बांधा गया है, और राउंड का मतलब दैट टाइम इज अ सर्कुलर एंड इट इज कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पर क्या ध्यान में रखना है कि कितने इस टू कितने के अनुपात में होता है, जो आपका जो अशोक चक्र लगा है वो कहां से लिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब अपनाया गया है। बिलीव मी दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, कई बार उन्होंने इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। तो योर आंसर वुड बी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हम भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जुलाई 1947, और जुलाई की तारीख कौन सी थी, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, ठीक, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, तो ये जो नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था इसकी जो डिजाइन थी वो स्वराज फ्लैग या स्वराज ध्वज पर आधारित थी। किसके ऊपर आधारित थी, स्वराज फ्लैग या स्वराज ध्वज के ऊपर आधारित थी, ठीक। और यहां पर ये जो स्वराज ध्वज है ये क्या चीज थी, तो आजादी के पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है ना, उसका जो राष्ट्रीय झंडा था उसे स्वराज ध्वज कहा जाता था, ठीक। तो उस स्वराज ध्वज की डिजाइन को किसने बनाया था, द नेम इज पिंगली वेंकैया। क्या नाम है, पिंगली वेंकैया। इस नाम को याद रखिएगा, इस नाम को नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरह के छोटे छोटे नाम आपको नहीं मिलते हैं, बट अगर सिंपली पूछ लिया गया कि स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था तो बस आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि इजी सवाल है, ठीक। तो भारत का जो नेशनल फ्लैग है वो स्वराज ध्वज से प्रेरित है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा हुआ करता था आजादी के पहले। और इस स्वराज ध्वज को किसने डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, ठीक है, समझ आ गया, आगे चला जाए। ऑल राइट, आगे चलते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी चेंज दिस पर्टिकुलर स्लाइड, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग भारतीय संविधान के अंदर और इंडिया में जो भी अलग अलग पॉलिसीज चल रही हैं रिलेटेड टू नेशनल फ्लैग, उससे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखना चाहें, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट द स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक, अगर हम इससे जुड़े हुए सांविधिक और संवैधानिक प्रोविजन को देखना चाहें, तो सबसे पहले नंबर पर अगर हम इसके संवैधानिक प्रोविजन को देखें तो आर्टिकल 51A, ठीक, जो लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं मुझे बताइए कि आर्टिकल 51A क्या है, किस भाग में दिया गया है और किस चीज को डिनोट करता है, ठीक, फटाफट से मुझे लिख करके बताइए। तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत ये लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो नागरिक हैं उन्हें क्या करना है, संविधान का पालन करना है और अपने आदर्शों और संस्थाओं के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। क्या करना है, दैट दे आर अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिस्पेक्ट, उस संवैधानिक प्रावधानों से बंधे हुए हैं कि उन्हें रेस्पेक्ट करना है राष्ट्रीय ध्वज को और राष्ट्रगान को, ठीक। कहां पर लिखा गया है, ये आर्टिकल 51A में लिखा गया है, ठीक, ऑल राइट, फटाफट से मुझे बताइए ये सबसे पहले आंसर किसने दिया है, यस गोपाल, 4A कैकशा ने लिखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑल राइट, ठीक है। अगर आप बाकी लोग आंसर नहीं किए होते, फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं डीपीएसपी में लिखा हुआ है, अभी कुछ लोग कह देंगे कि भाई चलिए एक ने डीपीएसपी लिखा है बाकी लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा है, भाई अगर इस पे भी आपको कंफ्यूजन होगा तो बहुत दिक्कत की बात है, ठीक, ऐसे कंफ्यूजन मत करिएगा, राइट।
Anyways, so first of all, we have studied about the constitutional provision related to the national flag, and the constitutional provision says, according to the Article 51A, क्या कहा गया है कि हम constitutional provision से abide किए गए हैं कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे. इसके अलावा अगर हम statutory provision के बारे में जानना चाहें, सांविधिक नियमों के बारे में जानना चाहें, तो उसके अंदर क्या किया गया है कि Emblem and Names Act 1950 के अंदर प्रतीक और नाम अधिनियम आपका लागू किया गया था, और उसके बाद 1971 में राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम या प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, यानी अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है तो उससे जुड़े हुए प्रोविजन क्या होंगे या उसको किस तरीके से पनिश किया जाएगा, इससे संबंधित अधिनियम 1971 में लॉन्च किया गया था. तो ये दो स्टेच्यूट है जिनके माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को देखा जाता है या उसको मैनेज किया जाता है, राइट. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करी, उसके बाद दो अधिनियम के बारे में मैंने आपको बताया, अधिनियम 1950 का और उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971. ठीक, याद रखिएगा, इसके अंदर के प्रोविजन या डिटेलिंग नहीं पूछेगा, लेकिन वो ये जरूर पूछ देगा ऑप्शन दे करके कि निम्नलिखित अधिनियमों में से, निम्नलिखित एक्ट्स में से कौन सा ऐसा एक्ट है जो आपके नेशनल फ्लैग या नेशनल ऑनर के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक, इसके अलावा 1950 और 1971 के अधिनियम के अलावा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 भी है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के यूज के बारे में बताता है. ठीक, एक अमेंडेड एक्ट 2002 में पारित किया गया था जिसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एक्ट 2002 कहते हैं. इसके अंदर यह बताया गया है कि भारत का जो ध्वज है उसका उपयोग किस तरीके से और कौन कौन कर सकता है. तो इसके अंदर ये लिखा गया है कि लोकल पब्लिक, निजी संगठन, ठीक है, जो आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक, इन सभी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का, नेशनल फ्लैग का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके इस्तेमाल के ऊपर कोई भी रोक नहीं होगी. ठीक, कोई भी किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करने से. और ये बात किसके अंदर कही गई है, किस प्रोविजन के अंदर, तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अंदर ये बात लिखी गई है. ठीक, इसके अलावा ये कहा गया है कि निम्नलिखित क्या कहते हैं विधियों को छोड़ करके कभी भी राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया नहीं जाएगा, यानी हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको कभी भी आप झुकाएंगे नहीं. क्यों? कुछ एक स्पेसिफिक प्रोविजन को छोड़ करके, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का झुकाना हमारे सम्मान के झुकने का प्रतीक है. ठीक, तो इसमें क्या लिखा गया है कि कौन कौन सा प्रोविजन होगा जब हमारे झंडे को झुकाया जाएगा. अगर कोई राष्ट्रीय शोक होता है, ठीक है, राष्ट्रीय शोक होता है, अगर किसी बहुत बड़े लीडर की डेथ होती है या कोई ऐसा इवेंट हो जिसपे पूरा देश हमारा शोक मना रहा हो, मौन कर रहा हो, तो उस स्थिति में हम उसको आधे मस्तूल तक या हाफ मास तक झुका देंगे, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई प्रोविजन तय किया गया हो, ठीक, उसके तहत हम लोग इसे झुकाएंगे. और ये शोक की अवधि कितनी होगी, यानी कितने टाइम के लिए हम अपने झंडे को झुकाएंगे राष्ट्रीय शोक के टाइम पर, तो वो काम किसके द्वारा तय किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा. ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना है. अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया जाए, ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, वो लिख देगा कि भारत के अंदर राष्ट्रीय शोक की स्थिति में झंडे को आधा झुकाया जाता है. आप लोग कहेंगे हाँ भाई झंडे को आधा झुका देते हैं, फिर नीचे लिख देंगे कि झंडे को झुकाने की अवधि निम्नलिखित में से कौन तय करता है, संसद के द्वारा तय किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा तय किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा या कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा. ऐसे चार स्टेटमेंट दे देगा. अब अगर आपने नहीं देखा है तो फिर ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पर जाकर के. तो ये बहुत छोटे छोटे ऐसे फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में कंक्लूड होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और दैट इज व्हाई रीडिंग दिस पर्टिकुलर बुक इज इंपॉर्टेंट, ताकि वो जो 10 या 12 मिसलेनियस सवाल आपको परेशान करते हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे. ऑलराइट, ठीक, तो यहां पर राष्ट्रीय शोक की अवधि कितनी होगी इसको कौन डिसाइड करेगा, आपका भारत का राष्ट्रपति डिसाइड करेगा. ठीक, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं. बेटा आई एम रीडिंग फास्ट बिकॉज वी हैव टू फिनिश इट अप विद इन अ प्रॉपर टाइम लिमिट, और ये इतना ज्यादा टफ नहीं है कि अगर मैं तेज बोलूं तो आप उस चीज को समझ ना पाए. ठीक है ना, चलिए. शिवानी शर्मा, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और पॉलिटी के अंदर प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा हो तो आप मुझे बताइए कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट का कार्यभार किसको दिया जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. टेल मी,
आप अगर आंसर बता देंगे तो दैट वुड बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर क्या कहते हैं, इस झंडे के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करवाई जाए तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो अगर आप लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानते हो तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पहले भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने ये बताया कि भारत के जो झंडे हैं उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस किस चीज को दर्शा, सिग्निफिकेंस को इंडिया के फ्लैग का जो सिग्निफिकेंस है उसको किसने बताया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने. तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या बताते हैं कि जो सैफरन कलर है या जो केसरिया कलर है वो किस चीज को दर्शाता है, आपके रिनंसिएशन को. रिनंसिएशन का मतलब क्या हो, रिनंसिएशन का क्या मतलब हो गया कि जो हमारे भौतिक लाभ हैं या जो मटीरियलिस्टिक नीड है उससे हमें डिसइंटरेस्टेडनेस होनी चाहिए हमारे अंदर. ठीक, यानी हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश के जो आपके पब्लिक सर्विस में जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर अ काइंड ऑफ रिनंसिएशन होना चाहिए टूवर्ड्स मटीरियलिस्टिक नीड, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनसे थोड़ी सी अरुचि होनी चाहिए. जो व्हाइट कलर है, दिस व्हाइट कलर शोकेसेस दैट वी हैव टू फॉलो अ पाथ ऑफ ट्रुथफुलनेस व्हाइल सर्विंग आवर पब्लिक. हमें अपने जीवन में सत्य के आचरण का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम पब्लिक में जाकर के खुद को सर्व करें. ठीक, साथ के साथ जो ग्रीन कलर है वो किस चीज को समझाता है, वो इस चीज को बताता है दैट ईच एंड एवरी थिंग इज originated from this soil and this planet only, so definitely we have to manage, secure the soil, the planet and the whole ecosystem of our country. ठीक, ये पूरा का पूरा जो significance है, definitely the concept of sacrifice, peace is there. ठीक है ना, but ये जो significance है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का explanation है. ठीक, ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो किसके हिसाब से है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हिसाब से. अदरवाइज केसरिया कलर बलिदान का प्रतीक है, वो आपके सत्य के मार्ग का. डेफिनेटली उन्होंने इस बलिदान को, इस प्रॉस्पेरिटी को, इस पीसफुल वे को थोड़ा और ज्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन करके बताया, खास करके जो पब्लिक सर्विस में जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए. सो इट इज अ गुड एंड अ बेटर पॉइंट टू बी आस्क्ड एज अ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इन योर प्रिलिमिनरी पार्ट एंड यू कैन आल्सो कोट इट इन योर मेंस पेपर 4 एंड अदर पार्ट एज अ फॉडर पॉइंट. राइट, तो इसकी उपयोगिता क्या है इस चैप्टर की आपके प्रिलिम और मेंस के लिए, आई एम कंसिडरिंग कि आपको ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसके बाद अगर हम लोग अशोक चक्र की बात करें तो अशोक चक्र इज शोकेसिंग द लॉ ऑफ धर्म. धर्म का क्या अर्थ होता है, धर्म का क्या नियम होता है, इस चीज को कौन बताता है, आपका अशोक चक्र बताता है. ठीक, साथ के साथ जो मूवमेंट है, जो व्हील है, वो मोशन को डिनोट कर रही है और इस बात को बता रही है कि हमें कभी भी चेंज का विरोध नहीं करना चाहिए, हमें रेजिस्ट नहीं होना चाहिए, हमें ओपनली ऑप्ट करना चाहिए अगर कोई चीज हमारे सामने आ रही है, और कॉन्टिन्यूएशन में हमें डायनेमिक प्रोसेस में रहना चाहिए और पीसफुल चेंज को और इंक्लूसिव चेंज को लगातार ऑप्ट करना चाहिए. ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नेशनल फ्लैग. मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी. ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट निकल करके आता है अबाउट स्टेट एम्बलम. स्टेट एम्बलम के बारे में आप जानते हैं कि ये जो स्टेट एम्बलम है कहां से लिया गया है, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वहां से लिया गया है. तो ये जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है ये किस चीज से बना हुआ है, पॉलिश्ड बलुआ पत्थर से बना हुआ है और उसी के ऊपर धर्म चक्र का भी निशान जो है आपका बना हुआ है. ठीक, तो अगेन यहां पर एक डेट आपको याद रखनी है कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने सारनाथ के ऊपर ये जो चिन्ह बना हुआ है इसको 26 जनवरी 1950 को एज अ स्टेट सिंबलम अडॉप्ट किया था. कब अडॉप्ट किया था, 26 जनवरी 1950. और यहां पर भारत सरकार के द्वारा, मतलब भारत सरकार की तरफ से इसको किसने लॉन्च किया था, आपका माधव साहनी ने. नाम याद रखिएगा, माधव साहनी ने इस चीज को लॉन्च किया था. डेट है 26 जनवरी 1950. बट इसमें ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारा स्टेट सिंबल है उसमें केवल और केवल 3 शेर ही दिखाई देते हैं, जस्ट बिकॉज इट्स अ 2D इमेज, सो वी कैन ओनली सी 3 लाइंस इन दिस होल एम्बलम. और इसके अलावा एक तरफ एक बुल बना हुआ है और दूसरी तरफ एक हॉर्स बना हुआ है. क्या बना हुआ है, एक तरफ एक बुल का साइन बना हुआ है, मतलब पिक्चर खुदी हुई है, क्रेविंग है, और दूसरी तरफ किस चीज की है, एक हॉर्स की है. ठीक, इस तरीके के जानवर भी पूछ लेता है कौन सा क्या चीजें बनी हुई है. ठीक, और इसके अलावा क्या किया गया है कि एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट पर
व्हील का ओरिएंटेशन बना हुआ है जो मूवमेंट को दिखाता है, साथ के साथ जो एक बेल शेप का लोटस बना हुआ है ओरिजिनल साइन में, उस चीज को हमारे यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक, जो आप ओरिजिनल, आप जब सारनाथ का पिलर देखेंगे तो उसमें एक उल्टे कमल का या बेल शेप्ड लोटस बना हुआ है और उसके ऊपर ये शेर का ऐसे मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, ये चीज आपने शायद आर्ट एंड कल्चर में पढ़ी होगी, ये जो बेल शेप्ड लोटस है इसकी क्या रिलेवेंस है। ठीक, और वो जो और इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा पिलर है उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते को भी वहां से उठाया गया है। अब ये जो सत्यमेव जयते है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से क्योंकि कई बार पूछा गया कि सत्यमेव जयते लाइन एक्चुअली कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तो ये लाइन आपकी आई है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से। ध्यान रखिएगा और खासकर इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, हमारे यहाँ पर एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो आपका स्टेटमेंट है सत्यमेव जयते, ठीक, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है या मांडुक्योपनिषद से लिया गया है? बोथ आर डिफरेंट थिंग, स्पेलिंग का डिफरेंस है। ठीक, एक है MUNDAKA, ठीक, और दूसरा है MANDUKO। ठीक, तो ये मांडुक्य उपनिषद है या मुंडकोपनिषद लिखा हुआ है, इसमें ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन कि सत्यमेव जयते इस लाइन को जो हमारी टैग लाइन है कहां से उठाया गया है, तो मुंडकोपनिषद से उठाया गया है। संस्कृत में ये लाइन लिखी गई है और देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी है। स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी स्क्रिप्ट है। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो भारत सरकार की ऑफिशियल सील होती है। ठीक, ऑफिशियल सील के अंदर भी इसी स्टेट सिंबलम का यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दी स्टेट ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005। ठीक, और यहां पर ऑफिशियल पत्राचार के अलावा कोई भी जो इंडिविजुअल पर्सन है वो भारत सरकार की ऑफिशियल सील का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल राइट, ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है, दिस इज अबाउट द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम क्या है? आप सभी को पता है नेशनल एंथम के बारे में, आप सब लोग जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है। ठीक है, बंगाली में, बंगाली लैंग्वेज में रचित ये गीत है जनगण मन, और इसमें हमें डेट याद रखनी है 24 जनवरी 1950। ठीक, तो जो आपका जनगण मन है उसके हिंदी वर्जन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान या नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किया गया था। डू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर डेट, 24 जनवरी 1950। ठीक, तो ये जो आपका एंथम है या ये जो आपका गाना है, ओरिजिनली 24 जनवरी 1950 के पहले सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन के अंदर, ठीक है, कांग्रेस का जो कोलकाता सेशन हुआ था वहां पर सबसे पहले गाया गया था। तो ये जो आपका पूरा का पूरा गीत है, जो गाना है, इसमें टोटल 5 स्टैंजाज हैं, और इस 5 स्टैंजाज में से जो फर्स्ट स्टैंजा है जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको एज अ नेशनल एंथम हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। राइट, डू रिमेंबर द डेट कि सबसे पहली बार कहां पर गाया गया था, किस सेशन में गाया गया था, और इसको किस डेट को एज ए नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था। राइट, चलिए इसके बाद इसको गाने का टाइम लिमिट कितना है? 52 सेकेंड्स। बचपन से गाते आ रहे हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज अबाउट द नेशनल सॉन्ग। अगर हम लोग नेशनल सॉन्ग की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा है आनंद मठ, नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ, उसके अंदर उन्होंने संस्कृत में एक गीत लिखा है विच इज वंदे मातरम। इसको हमारे देश के नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट किया गया है। ठीक, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1896 में सेशन हुआ था, 1896 के जो सेशन हुआ था उसके अंदर इसको सबसे पहली बार अडॉप्ट किया गया था। ठीक है ना, और ये जो गाना है नेशनल सॉन्ग है इसको नेशनल एंथम के बराबर का ही दर्जा दिया गया है। डू रिमेंबर दिस सेशन ऑफ 1896 जहां पर सबसे पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, एंड द नेम ऑफ द बुक विच इज आनंद मठ। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट योर नेशनल कैलेंडर। 2016 या 2017 का क्वेश्चन जाकर के देखिएगा, उसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल कैलेंडर,
जो इंडिया के नेशनल कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला दिन होता है, ग्रेगरियन कैलेंडर के मुताबिक वो कौन सी डेट होती है? ये क्वेश्चन 2016-17 में पूछा गया था। तो इंडिया के अंदर जो नेशनल कैलेंडर है वो शक संवत को अडॉप्ट किया गया है। किसको अडॉप्ट किया गया है? शक संवत को अडॉप्ट किया गया है। और शक संवत का जो पहला महीना होता है वो चैत्र महीना होता है, और चैत्र महीने का जो फर्स्ट डे है ग्रेगरियन कैलेंडर के मुताबिक वो 22 मार्च को पड़ता है, ठीक। और अगर लीप ईयर पड़ रहा होगा तो लीप ईयर के केस में वो डेट 21 मार्च हो जाएगी, ठीक। तो इस शक संवत को या शक कैलेंडर को एज अ नेशनल कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया गया था, राइट। याद रखिएगा कब अडॉप्ट किया गया था, 22 मार्च 1957 में इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक। भारत का जो गजट ऑफ इंडिया है, जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग होती है, ठीक, जो कम्युनिकेशन या पब्लिक एड्रेस वगैरह होता है, उन सब में इस नेशनल कैलेंडर को, शक संवत को, अलॉन्ग विद द ग्रेगरियन कैलेंडर यानी इंग्लिश का जो हम लोग जनवरी फरवरी मार्च वाला कैलेंडर यूज करते हैं उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। याद समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? और यहां पर मैंने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट ऑफ चैत्र होगी यानी शक संवत का जो पहला दिन होगा चैत महीने का वो आपकी 22 मार्च होगी, और लीप ईयर के केस में 21 मार्च। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल मल्टीपल टाइम, तो डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, ऑल राइट। कई बार पूछा गया है तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। आगे चला जाए भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक। संवत का मतलब कैलेंडर, कैलेंडर को इंग्लिश में ही संवत कहा जाएगा, ठीक है ना, शक संवत या शक कैलेंडर, ऑल राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं भाई। यस आई नो सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, बस जस्ट वेट फॉर 2 मोर मिनट्स तो हम लोग अपने इस चैप्टर को कंक्लूड कर देते हैं, ऑल राइट। चैप्टर छोटा सा ही है, कल के लिए बचेगा नहीं, छोटा सा पॉइंट है, फटाफट से पढ़ करके कंक्लूड कर देते हैं, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट नेशनल फ्लावर, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट। तो जो नेशनल फ्लावर है वो अपना क्या है, कमल है, जिसका जो आपका साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है आपका, नेलियम्बो न्यूसीफेरा। ये नाम याद रखिएगा, कभी कभार आपके स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन के अंदर नेलियम्बो न्यूसीफेरा पूछ लेता है कि उसका नाम क्या है। और अगर कमल की बात करिए करिए तो इट इज शोकेसिंग आर कल्चरल हेरिटेज, क्यों, क्योंकि हमारे देश की जो कल्चरल हेरिटेज है उसके अंदर जो ऑस्पिशियसनेस होती है उस ऑस्पिशियसनेस को लोटस के थ्रू शोकेस किया जाता है, ठीक है ना। ऑस्पिशियस नेम को मतलब ऑस्पिशियस मतलब कोई चीज शुभ हो रही हो, कोई चीज बेहतर हो रही हो, तो इस चीज को हमारे कल्चर के अंदर, हमारे हेरिटेज के अंदर लोटस के थ्रू डिपिक्ट किया जाता है। और इंडिया के अंदर जितने भी अलग अलग सेक्ट हुए हैं, जितने भी अलग अलग आपके रिलीजन हुए हैं, चाहे वो सनातन रिलीजन हो, जैन हो, बौद्ध हो, ठीक, सबके अंदर लोटस को एज अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस डिपिक्ट किया गया है, ठीक है ना। चलिए ऑल राइट देन, नेशनल फ्रूट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इट इज मैंगी फेरा इंडिका। यस, नेशनल रिवर गंगा, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट कि नेशनल रिवर गंगा है। गंगा से जुड़े बहुत सारे फैक्ट आप लोगों ने ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ रखे हैं, उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट था जैसे फ्लैग और एंथम का और कैलेंडर का, वो मैंने आपको बता दिया, जो कहीं और आपको नहीं मिलता है। इफ यू टॉक अबाउट द नेशनल ट्री, तो जो बरगद है जिसका आपका नाम, वैज्ञानिक नाम आपका फाइकस पेंगोलिनेंसिस बनता है, ये हमारा ऑफिशियल ट्री है इंडिया का। नेशनल एनिमल इज पैंथेरा टाइग्रिस यानी बंगाल का टाइगर, और नेशनल एक्वेटिक एनिमल इज गंगा नदी की डॉल्फिन, गंगा नदी की डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। और एक आपके लिए होमवर्क है कि जो गंगा नदी की डॉल्फिन है इसके बारे में आप मुझे बताइए कि जो रेड बुक डेटा बना है उसके हिसाब से ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है, या एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आती है। ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे सर्च करके बताएंगे कि इंडिया का जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गंगा नदी की डॉल्फिन, जिसका ऑफिशियल नेम प्लेटनिस्टा गंगा है, क्या वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है या आपके इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है, राइट। अब यहां पर ये जो आपका एनिमल है ये प्योरिटी को शोकेस करता है, क्योंकि ये केवल प्योर और फ्रेश वाटर के अंदर ही सरवाइव कर सकता है, राइट। सेम एज इफ यू टॉक अबाउट नेशनल बर्ड, सो
तो भारत का जो इंडियन मोर है पावो क्रिस्टेटस, दैट इज आवर नेशनल बर्ड विच इज शोकेसिंग द विविडनेस ऑफ डिफरेंट कलर और शोइंग द डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेशन, राइट। सेम एज दिस इज द साइन ऑफ रुपी एज यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट, जिसको हाल में ही शुरू किया गया है, जो आपके देवनागरी लेटर के अंदर जो र लिखा जाता है वहां से इसको लिया गया है। ऑल राइट, आई होप आज के लेक्चर के अंदर जो भी चीजें मैंने आपको बताई अभी तक फटाफट से, वो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देख करके बताना, हाफ ऑफ दी स्टूडेंट आर सेइंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड, हाफ ऑफ दी स्टूडेंट्स आर सेइंग इंडेंजर्ड। मुझे पढ़ करके बताना, मुझे ग्रुप में आप मैसेज करेंगे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है या इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, दिस इज योर टास्क। ऑल राइट, काम हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी आपको। आज के लेक्चर के अंदर जो भी हमने नए और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े वो आपको समझ में आए या नहीं, और साथ के साथ इस सेशन का रिलेवेंस समझ में आया या नहीं, मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए भाई, सो दैट वी कैन मूव अहेड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, ठीक। कुछ नई चीजें देखने को मिली? एक और, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, रुक जाइए, एक और आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, एक और आपका होमवर्क है। उसके अंदर आपको क्या करना है, मैंने आपको शक कैलेंडर के बारे में बताया है ना, शक कैलेंडर के बारे में बताया है आपको, मुझे ये बताना है कि शक कैलेंडर को प्रारंभ कब और किसने करवाया था। हिस्ट्री की बुक के अंदर आप लोग जाके ढूंढेंगे कि शक कैलेंडर को शुरू किसने करवाया था और कब शुरू करवाया था, ठीक। ये दो काम है आपके लिए, एक तो गंगा नदी की डॉल्फिन के बारे में बताना है, और शक कैलेंडर को किसने शुरू करवाया था, किस ईयर में शुरू करवाया था, ये दो चीजें मुझे बतानी है आपको, ठीक। ये पॉइंट हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी भाई? होमवर्क हो जाएगा आप लोगों का या नहीं, जल्दी से बताइए, ढूंढने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, डेफिनेटली मैं आपको आंसर कर दूंगा, बट ये दो काम आपको अपने एंड पर करने हैं, हो जाएगा? ओके सर, चलिए, ऑल राइट, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा तो आप लोग मुझे बताएंगे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन गाइस, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड इट। अनुभव सक्सेना, वेल डन ब्रो, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी इस चीज को जाकर के देखिएगा, ठीक। तो बिफोर आई साइन ऑफ माई सेशन, आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिमाइंड दैट दिस 4-in-1 ऑफर इज स्टिल देयर। If you want to go for subscription, just go ahead. Because if right now you want to go for subscription, you can easily avail the 20 books written by a prominent author of an academy. These books will guide you through with the whole process of your preparation. Apart from that, you can also avail the mega subscription offer. If any one of you wants to know about EMI or a loan process, you guys can mail me on my mail ID arshatiwari957 and definitely use the code ATS10 which is written over here, right? So on this note, I am ending my session. See you soon at 3 p.m. in economy session. Apart from that, if you have any doubt, this is my Telegram link. Do send me your doubt and concern. I'll try to resolve your doubts, right? Bye-bye. See you soon at 3 p.m. Keep studying Sarka session.